हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इंटरनल आई के बारे में। ये इनर आई का सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रॉस सेक्शन के बारे में, और ये वो क्रॉस सेक्शन है जो कि बहुत कम बुक्स में दिया रहता है और हम बहुत कम इसे जान पाते हैं। लेकिन एक बार हम देखते हैं कैसे हमारे आंखों में जो इमेज होता है वो रियली फॉर्म होता है। हम लोग कहते हैं ना कि हम जो हमारी आईज है एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका ऑपोजिट एंड रियल इमेज बनता है, लेकिन ऑपोजिट बनता है, उल्टा बनता है। मतलब तुमने अल्फाबेट ए को देखा है तो अल्फाबेट आपको इमेज में एज इट इज ए नहीं दिखेगा, वो उसका उल्टा दिखेगा, लेकिन फिर भी हम ए को ए की तरह देख पाते हैं। इन शॉर्ट, अगर कोई इंसान तुम्हारी तरफ चलता हुआ आ रहा है तो एग्जैक्टली उसका इमेज बन रहा है उल्टा, यानी कि सर नीचे है पैर ऊपर है, लेकिन फिर भी तुम उसे अल्टीमेटली देख पाते हो वही जैसे वो आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये सभी चीजें कहाँ पे होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या है यहाँ पे, हमारे पास इंटरनल ईयर का सेगमेंट है। सबसे पहले रेटिना आएगा, रेटिना से पीछे में आपको पता है विट्रस चैम्बर होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर क्या होता है। तो ये विट्रस चैम्बर है जिसका फंक्शन भी मैंने बताया था, अगर आपको जानना है इसका फंक्शन तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना वो पार्ट जहाँ पे इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करता है, देन उसके बाद में वो जाता है फोटो रिसेप्टर सेल में जो कि सेकंड नंबर का है। अब ये डिपेंड करता है कि वो डे टाइम है या नाइट टाइम है। अगर नाइट टाइम होगा तो मैंने बताया था रॉड सेल्स एक्टिव रहेंगे, और डे का टाइम है तो कोन शेप्ड सेल जो है एक्टिव रहेंगे। मतलब डिम लाइट सेंसिटिव होता है रॉड सेल और कलर सेंसिटिव होता है बेसिकली कोन शेप्ड, यानी कि कोन शेप्ड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो रॉड शेप्ड जो शेडेड वाले हैं ये सभी रॉड शेप्ड है और ये लोग बेसिकली लाइट में ही अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, बिना लाइट के एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इनमें आएगा सिग्नल, ठीक है, और मैंने बताया था जो कौन से सेल होते हैं वो तीन कलर के होते हैं, दैट इज ब्लू ग्रीन रेड। अगर तीनों के तीनों काम नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक कलर नजर आएगा, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन नहीं कर रहा या तीनों फंक्शन नहीं कर रहे तो आप कलर ब्लाइंड है, आपको कलर नहीं पहचान में आ रहा कि आपके सामने कौन सा कलर रखा हुआ है। जैसे डॉग्स में अगर देखेंगे तो डॉग्स में ये कोन शेप्ड सेल जो होता है ना वो एब्सेंट होता है, इसीलिए उनको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, उसे दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, उन्हें कलरफुल नहीं नजर आता, ठीक है। अगर एक डॉग को तुम बोलोगे कि तुम एक येलो बॉल लेकर के आओ मेरे सामने और रेड बॉल रख देंगे उसके सामने, और वो इतना ट्रेंड है तो वो कभी भी सेम बॉल जो आप बोल रहे हो वो लेकर के नहीं आ पाएगा, बिकॉज वो कलर ब्लाइंड होता है। यहाँ पे रॉड शेप्ड सेल यानी कि फोटोरिसेप्टर पे बात खत्म होती है। नेक्स्ट है बाइपोलर सेल। हमारी बॉडी में बहुत कम जगह होते हैं जहां पे बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसका मतलब कुछ डेंड्राइट और एक एक्सॉन, ठीक है, जनरली तो इसमें एक ही एक्सॉन होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग सेल्स भी होते हैं, दैट्स वाई, लेकिन यहाँ पे जनरली एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है, तो बोलेंगे बाइपोलर सेल होते हैं। इसके बाद में लास्ट में गैंग्लियन सेल होते हैं। गैंग्लियन सेल बेसिकली सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसके बाद में इसके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के ऑसिपिटल एरिया में, यानी कि हमारा ब्रेन का जो पिछला हिस्सा होता है, हमारे ब्रेन का जो सबसे लास्ट सेगमेंट होता है ऑसिपिटल एरिया, वहां पे इसको सेंड कर देते हैं, और उसके बाद आप जो भी इमेज होता है उसको देख पाते हो। आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि इमेज कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, लेकिन बायोलॉजी में ये पढ़ोगे कि एग्जैक्टली हमारे ब्रेन में कहाँ पे इमेज बनते हैं। जैसे कि अगर मैं ब्रेन की बात करूं हमारा, तो हमारा ये जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट जो है, ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये जो एरिया है हमारा पूरा, इस एरिया में ऑसिपिटल रीजन रहता है। ये एरिया जो है वो ऑसिपिटल रीजन का होता है, और ऑसिपिटल रीजन इसी जगह पे हम जो आई से देखते हैं ना वो बेसिकली आकर के लेफ्ट आई से देखा हुआ राइट आई को चला जाता है, और राइट आई से देखा हुआ लेफ्ट आई को चला जाता है इमेज, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे एक एक्स शेप का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिक काइजमाटा। क्या कहते हैं? ऑप्टिक काइजमाटा। तो ये बेसिकली ऑप्टिक काइजमाटा जो है वो हमें देखने में हेल्प करता है, और इसी ऑप्टिक काइजमाटा की हेल्प से क्या होता है, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो उल्टा इमेज बना होता है उसको दोबारा से सीधा कर लिया जाता है, दोबारा से इरेक्ट कर लेते हैं, और हम जो पर्सन है जो हमारे सामने आ रहा था उसे बिल्कुल करेक्ट वे में देख पाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा अरेंजमेंट। सबसे पहले कौन आएगा? रेटिना, देन फोटोरिसेप्टर, देन बाइपोलर, देन गैंग्लियन सेल, और उसके बाद में ऑप्टिक नर्व। तो ये है पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ठीक है, जिसको कि मैंने लिख दिया है। अगर कोई बोलता है कि आपसे, जैसे कि नीट में काफी कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दो टॉपिक, दो बेसिकली क्वेश्चन जो है उसके पैटर्न में लिखा है, लाइट इंसिडेंट पाथवे और इम्पल्स पाथवे।
लाइट इंसिडेंट पाथवे, लाइट कहां पे सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले बोलेंगे लाइट एंटर कर जाता है सीधे सबसे पहले अंदर की तरफ, यानी कि इस ऑप्टिक नर्व के पास में, इस रीजन में सबसे पहले लाइट स्ट्राइक करता है। लेकिन इम्पल्स का पाथवे, इम्पल्स का पाथवे मतलब कहां से ये रिसीव किया जाता है, तो हम बोलेंगे रिसीव हम यहीं से करते हैं, और रिसीव करने का जो हमारा वे है, फ्लो है, वो पहले होगा रेटिना, देन फोटोरिसेप्टर, देन बाइपोलर, देन गैंग्लियन। ये वाला ऑर्डर है इम्पल्स पाथवे का, मतलब इमेज बनेगा सबसे पहले रेटिना में, और रेटिना से होते हुए वो नीचे चला आएगा। लेकिन हम बोलेंगे अगर इंसिडेंट लाइट पाथवे क्या होगा, यानी कि लाइट सबसे पहले कहाँ आता है, तो बोलेंगे गैंग्लियन, देन बाइपोलर, देन फोटोरिसेप्टर, और देन उसके बाद में रेटिना। इन शॉर्ट लाइट सबसे पहले नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, और हेंस उसके बाद सिग्नल को लेकर के वो नीचे की तरफ आती है। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। इस चीज को आप नोट कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये एम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा पूछते हैं, ह्यूमन फिजियो का ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एम्स में, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये वाला है, ठीक है, आई में, जो कि जनरली बच्चे गलत करते हैं। तो ये वाला पूरा कंसेप्ट था इस पे बेस्ड। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।